सच साहस सरोकार। लखनऊ में सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को सोशल मीडिया पर धमकी मिली। बड़ी खबर आपको बता दें, सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को मिली जान से मारने की धमकी। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक माह में निपटाने की धमकी दी गई है। समाजवादी पार्टी के नेता को बड़ी धमकी मिली। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया धमकी मिलने का मामला। लखनऊ पुलिस और डीजीपी को चेक कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार्रवाई की मांग की है। 29 मई की शाम को मिली थी सोशल मीडिया पर सपा एमएलसी को धमकी। सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को सोशल मीडिया पर धमकी मिली। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को जान से मारने की धमकी मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक माह में निपटाने की धमकी दी गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया धमकी मिलने का मामला। लखनऊ पुलिस और डीजीपी को चेक कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार्रवाई की मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता कलीम जुड़े हैं। कलीम, स्वामी प्रसाद मौर्य को जान से मारने की धमकी मिली है। हाँ, देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जान से मारने की जो धमकी दी गई है, उस धमकी में साफ कहा गया है कि एक महीने के अंदर तुझे निपटा दिया जाएगा। ऐसी बात जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए शेयर किया है, और इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात लिखी है कि जिस व्यक्ति ने इस ट्विटर हैंडल के जरिए जो है उसको जो है जान से मारने की धमकी दी है, उसके उसके ट्विटर हैंडल पर बाकायदा रक्षा फोर्स जय श्री राम नामक ट्विटर अकाउंट लिखा हुआ था। उसके जरिए 29 मई को 7:12 पर स्वामी प्रसाद को इस तरीके की जान से मारने की धमकी मिली थी। इस मामले की जानकारी जब उन्होंने ट्विटर के जरिए शेयर किया, और इसके साथ ही लखनऊ पुलिस के साथ यूपी के डीजीपी को टैग किया है और उनसे मांग की है इस मामले में कार्रवाई करने को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान लगातार सामने आ रहे हैं उसको लेकर लोगों में जिस तरीके से आक्रोश भी दिख रहा है। इससे पहले भी इस तरीके का मामला सामने आया था, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी, लेकिन एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को जान से मारने की धमकी मिली, और इस मामले में उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए ही ट्विटर के माध्यम से तो पुलिस को इस मामले से अवगत कराया है। लेकिन अब वो बड़ी बात ये होगी कि जिस तरीके से उन्हें जान से मारने की जो धमकी मिली है, इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, मुकदमा लिखती है, या फिर जो आरोपी है उस आरोपी को गिरफ्तार करती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम।